स्क्वाड के साथ, जहाँ पे मोबाइल गेम में आपके फेवरेट प्लेयर्स एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। माफिया की ओर से यहाँ पे मैन टू मैन एडवांटेज माफिया के पास है। मुश्किल तरीन मैच, मुश्किल तरीन राउंड, मुझे नहीं लगता ये राउंड जीएसआर के लिए इतना आसान रहेगा। लेकिन क्या कमाल का शॉट कनेक्ट किया है यहाँ पे, लाजवाब शॉट कनेक्ट किया, डिलीट को नॉकआउट किया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वासियो और उसके अलावा माने यहाँ पे कमाल करके रखा। ये राउंड कमबैक राउंड हो सकता है जीएसआर के लिए, लेकिन अमन यहाँ पे नॉकआउट और माफिया, और माफिया बाला ने मिलकर यहाँ पे एडवांटेज हो सकता है। इवन उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1v1 मुकाबला होगा। कंसेप्ट का मुकाबला अमान से, कंसेप्ट को पोजीशन भी पता है क्योंकि वहां पे करेक्टर ने मार्क ऑन कर दिया है। यहां पे मौजूद है नंबर के साथ कंसेप्ट तैयार है वहां पे अमान। एक बहुत ही जबरदस्त हेडशॉट और इस बॉल, लेकिन मुझे नहीं लगता पड़ता यहां पे माफिया अंदर नहीं जा पाएंगे। ओ एक नॉक निकला दो, ओ माय गॉड आई गॉट टू टेक माय वॉइस बैक। यहां पे जबरदस्त एक इंपॉसिबल कमबैक करके दिखाया माफिया ने। डबल यहां पे किल किया है क्या, यहाँ पे आखिरी किल करके लाए वासियो ने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया। वो बिल्कुल जेब में आ चुका है जैसा स्पोर्ट्स के। अमान के ऊपर हमला, क्या नॉकआउट निकालने में कामयाब हो चुके दिल्ली, क्या नॉकआउट, बिल्कुल बिल्कुल। और डबल नॉकआउट है सत्यम भी बाहर नॉकआउट है और अंदर थोड़ा नहीं गलत नॉकआउट पाया है। हाइट का एडवांटेज और सीधा हेडशॉट पड़ा है। डिग्री के काफी कोशिश करते हुए डबल बैरल से यहाँ पे हेडशॉट दूसरी दिखे, यहाँ पे शॉट पे काफी नहीं कर पाए थे। सामने की तरफ एक काफी डिग्री की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन और पीछे से क्लियर आने के नॉकआउट प्ले को क्लियर करते हुए डिग्री एक बार फिर से इसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश किंग ऑफ ऑल रशर्स की। और यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और डिलीट का मुकाबला बना वापस एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी कोशिश में इसलिए कह रहा हूँ अगर ये राउंड माफिया जीत तो खेल यही खत्म। क्या वासियो CR7 तो फिर से मुख्य करेंगे जी नहीं, टीएम डिलीट ने कहा बहुत जल्दी शॉर्ट कि वो शायद कुछ कर पाएंगे सिचुएशन में। रेवन का एक और फटका बेंजीन के ऊपर, नंबर्स को इक्वलाइज तो किया है बट क्या रीटेक सक्सेसफुल कर पाएंगे। बॉम प्लांट हो चुका है, घोस्ट एलविश को वहां पे बाहर कर देंगे एंड टॉप घोस्ट को 1v1 ऑफ वर्सेस ऑपरेशन वर्सेस घोस्ट ऑन एट दैट टॉप एंड इट्स गोना बी रेवन दिस टाइम। घोस्ट को टेक डाउन किया स्पॉन समवेयर नियर बाय के लिए अभी तक मैं बात करूं शुरुआती सर्किस यहां पर हो सकते हैं बट ये क्या था। अभी को अंदाजन तक फ्रैग यहां पर आएंगे पैलेस के जरिए और बेंजीन निकाल चुके हैं वो दो बेहतरीन फ्रैग का, तो फिर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं काफी मुश्किल है बट फिलहाल के लिए वापसी करना मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा मोशन को अभी भी फिट आगे जाना प्रेफर कर रही है, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। रेवन वहां पे एक कर को टेक डाउन करेंगे, स्ट्रेट ट्रेड आता हुआ वहां पे बट जो फेक था वो कामयाब हो जाएगा बिकॉज उन्होंने ए साइड को ऑलरेडी अपने अंडर कैपिटलाइज किया। एक फ्रैग आता हुआ, दूसरा भी टेक डाउन किया जाएगा स्पॉन, किसी को तो रोकना पड़ेगा उन्हें एंड वो रेवन नहीं निकाला है ये राउंड। तो तीन बचे हुए खिलाड़ी है, रेवन के फ्रैग निकालना इंपॉर्टेंट है, वो निकाल के जाएंगे। कोस्ट को डाउन किया, 2v2 स्टिल डूएबल, वे टू डूएबल, दोनों के पास डिफ्यूजल किट है बट द टाइम स्टिल टिकिंग। वहां से हैटी गॉड ने रेवन को टेक डाउन किया, इसी के साथ एनिग्मा गेमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन फाइनली
पहले ओवर टाइम के बाद इतने सारे की तरफ वॉकिंग करने का पूरा पूरा प्रयास, एक प्लेयर को टेक डाउन करना पड़ेगा, बट कैटास्ट्रोफी कम्स अप ऑन टॉप, ट्रेड आता हुआ R2B2 की तरफ से, बट आई गेस दैट्स नॉट इनफ बिकॉज R2B2 एक और खिलाड़ी को अपने साथ लेके जाएंगे, स्पॉन को भी टेक डाउन किया, R2B2 इज ऑन अ रोल अगेन, रुकना नहीं चाहते हैं वो, कोस्ट की तरफ से फ्रैग फाइनली आता हुआ R2B2 को रोक देंगे वो उन्हें, बट नंबर्स का क्या करेगी अब एनिग्मा बिकॉज वो नहीं है उनके पास। से प्लांट एक बार हो जाए तो शायद कुछ बात हो सकती है, हैती अभी भी जिंदा है और हैती का वो ओपनिंग वो एक क्लोज स्कोप जो दिख रहा है, दूसरा भी पटका लगेगा टेंपल साइड की तरफ से, देखिए प्रेजेंस डिटेक्ट हो चुकी है क्या लास्ट में, क्योंकि बैक स्टैंप भी किया जा रहा है, जी हां गोस्ट उनके पीछे जा रहे हैं, ये राउंड हैती गॉड, क्या ही कमाल की विक्ट्री दिला नजर आने वाले हैं। एम्बर के पास है जरूर एक वेपन, लेकिन इस पैमास के साथ एक रीटेक करना एक बहुत मुश्किल टास्क, और जैसे दर्शिता बात कर रही थी, जी हाँ एक टूर्नामेंट एक टाइटल पॉइंट की तरफ बढ़ने वाली है टीम एनिग्मा गेमिंग, 12-10 के काफी समीप है, यहाँ पर देख लिया गया उनको टेंपल साइड से, एंट्री जरूर ने ले लिया है, लेकिन हैती गॉड बोलेंगे कहाँ पर आप देख रहे हैं आप पीछे हम यहाँ पर डायमंड की तरफ से अपर की तरफ से बुलेट एक्सचेंज हो रही है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, कैटास्ट्रोफी का पहला फ्लैग आता हुआ, दूसरा भी शायद मिल जाएगा, कैटास्ट्रोफी बॉबी को टेक डाउन करेंगे, एल्विस इज ऑलरेडी डन फॉर एम्बर एंड R2B2 दो बचे हुए खिलाड़ी है, बॉम्ब जो होने वाली है ये 1v4 निकालने को बिकॉज वो गन भी अच्छी नहीं आएगी, लेडीज एंड जेंटलमैन एनिग्मा गेमिंग जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से कमबैक किया, अ लिटिल मोर लाउडर प्लीज बिकॉज दिस इज द लास्ट इवेंट ऑफ द डे, Guys, Free Fire Max ki janta, are you all ready? Equipment se टकरा कर जो है नॉकआउट हुए, और इस किस्म की मिसक्यूज काफी महंगी पड़ सकती है, बिल्कुल जेब में मैच है हेड हंटर्स के, बिल्कुल जेब में मैच, अगर यहाँ पे भूया इन्होंने लगा दिया तो कम से कम एक दो मैच तो कोई चिंता का विषय ही नहीं होगा इनके लिए। नहीं लिखी यहाँ पे बैक टू बैक एक और मिसक्यू करते हुए, एक बार फिर से मौका और काफी तेज स्नाइपर चला रहे हैं डिवाइन, ओ यहाँ पे सॉलिड बैकअप था हिंद के अकेले, लुईस बचे, लुईस को भी नॉकआउट करेंगे, लुईस को भी यहाँ पे फिनिश करेंगे, और एक बार फिर से हेड हंटर्स का एक और शानदार शानदार बुया बुया बुया, अरे सोलो में तो काफी बात हुई, वो अपना एफर्ट कल भी मेरे को देखो, कल भी गेम निकाल लीजिए, चिंता को यहाँ पे एक प्लेयर लेटे हुए देखे तो बैक टू लो भी यहाँ पे कर दिया है, TSG ने अपना गियर चेंज रखा हुआ है, और क्रिश यहाँ पे नॉकआउट हुए हैं, पोते के सामने आने तक पूरे पूरे कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर टोक्यो तो गए तभी भी वो टेबल टॉप पे रहेंगे, यहाँ पर शॉन्टी को बैक लो भी कर दिया गया, यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ बैटल एलिमिनेट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं दो प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री बचे हुए हैं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लीकी को एलिमिनेट कर दिया गया है, रशर ईस्पोर्ट्स का धमाकेदार रश, लेकिन TSG जैसा कहते हैं इनके फैंस एब्सोल्युटली नो मर्सी, किसी के ऊपर कोई रहम नहीं, हमने देखा भी ऑरा गेमिंग जैसी तगड़ी लाइनअप को भी वहां पे सेटल होने के, एक और लेटे खिलाड़ी को सिद्धार्थ ने चलता कर दिया, स्पोर्ट्स मौजूद हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सिद्धार्थ विद द डबल स्नाइपर्स, एक M2B एक AWM काफी दबाव में से, और एक बार फिर से घुस के समाप्त किया है, TSGOP बोलते TSG लाइन से सबकी खोपड़ी खोलते, एक के बाद एक खिलाड़ी आए, एक के बाद एक खिलाड़ी गए, एक और खिलाड़ी बुलडोज कर दिया गया है यहाँ पे क्रिस द्वारा, एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद, बट नो मर्सी TSG का यहाँ पे हो चुका है बोया बोया बोया, हार मानने होते 7 एलिमिनेशन यहाँ पे, अगर आप देखें मिस्टर जय YT के, और यहाँ पे तैयार है छोरा राव साहब का, क्या यहाँ पे मिस्टर जय YT सुपर 10 लगाने में कामयाब होंगे, वापसी चाहिए तो, और सामने खड़ा भी कौन है टेबल टॉपर्स, अगर इनको मात दे के आप भूया निकाल सकते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, लुक एट दैट अर्श की कमाल की असॉल्ट, और जवाब नहीं था हिंद के प्लेयर्स के पास इस चीज का, लेकिन एक्स डिवाइन भी नॉक, और यहाँ पे केडीशन जोन में एलिमिनेट हो चुके ओरेंगुटान ने, यहाँ पे अगर आप देखें बाकी टीम्स को दिया है संदेश, एक बार फिर से यहाँ पे एप्स ने मचा दिया है बवाल, और बिल्कुल सबके सामने बिल्कुल अकेले बचे हैं हेड हंटर्स के पास भी अभी मौका है यहाँ पे खेलने का, बट उनके पास क्लियर नंबर नहीं है, और यहाँ पे शॉन्टी कमाल का शॉट लेते हुए उनके पास चार्ज बस्टर है, हमने देखा था शॉन्टी का प्ले स्टाइल कितना ज्यादा यूनिक है, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा है, बट अभी यहाँ पे वर्ड ऑफ बैटल को भी गेम निकाला होगा, लेकिन ट्रोगन से यहाँ पे मिस्टर जय YT कमाल का प्ले दिखाते हुए
जी हाँ, यहाँ पे जो फाइट है वो लगातार नजर आ रहा है। बैक टू बैक यहाँ पे बुया करने के लिए तैयार है और सिंगल प्लेयर बचा है एंड ये भी बुया 99.9% जाने वाला है। उलंगे दान को लीजिए, बुया हो गया। Here is another बुया। आप जाते रहे तो जोन में बार बार आपका डैमेज बढ़ता जाएगा एंड यहाँ पे कमाल का ड्रैग शॉट में नजर आता है। बात करेंगे अर्श के बारे में, नॉक किया है अर्श ने एंड किल भी फिनिश की जाएगी। एक और पॉइंट जाएगा हेड हंटर के खाते में। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम फिलहाल यहाँ पे नजर आ रही है हेड हंटर्स क्योंकि नंबर्स में ज्यादा होने वाले हैं। और नेट्स अभी तक लेके क्या बिल्कुल जाएंगे, लेजेंड को नॉक किया जाएगा नेट से। प्रोजेक्टाइल से बल्ली की दूसरी साइड डाउन हो जाएगी। जिया लिकी को बचाने का ट्राई कर रहा है आइस ग्रेनेड के साथ। यहाँ पे स्प्लैश डैमेज जो चिप डैमेज दे जाएगा लिकी को, पर लिकी को बचाने की जरूरत होने वाली है। जिया का मौका मिलेगा नहीं, यहाँ पे एक और टीम को एलिमिनेट कर चुका मनीष को एलिमिनेट करते हुए और आइस स्पोर्ट्स को बैक टू द लॉबी। दूसरी साइड शॉन्टी को डाउन कर दिया गया। जिया हेड हंटर्स और आगे बढ़ रहे हैं। लिकी को बचाने का भी ट्राई नहीं करा गया। छह प्लेयर्स अभी गेम के अंदर होने वाले। हेड हंटर्स यहाँ से इजीली पूजा निकाल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूजा निकालते हुए अपने चार बुया। We have completed 5 different games. It was an amazing year. अगर बात की जाए पूरा साल हमने यहाँ पे इस कंपटीशन को देखा जिसमें 20,000 से ज्यादा गेमर्स ने हिस्सा लिया, 30 बिलियन से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे इस शो को देखा एंड आई एम सो हैप्पी, सो डिलाइटेड टू से कि हमारे पास अब विनर्स हैं जो ट्रॉफीज उठाने वाले हैं। शुरुआत हुई थी अंत की और अब फाइनली जाके गाइस एंड हो चुका है। रनर्स अप को अनाउंस करने से पहले मुझे लगता है कुछ स्पेशल गेस्ट को बुला लेना चाहिए स्पीरो ऑन स्टेज। एब्सोल्युटली, प्रेजेंटेशन सेरेमनी का समय आ चुका है एंड वी हैव सम स्पेशल गेस्ट जो आके अवार्ड प्रस्तुत करेंगे हमारे विनर्स को। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर संतोष स्मिथ, डायरेक्टर कैपिटल ग्रुप एंड मिस्टर आशीष कुदालकर, वीपी कैपिटल ग्रुप। अब अवार्ड सेरेमनी हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड इट इज अबाउट टाइम to bring on stage the first runners up. Yes, oh, big round of applause for Team OG. Well, that was amazing. I mean, but now it's time to reward a player जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। And I have the name of the MVP of this amazing competition, and that person is Arsh from Headhunters. और अब बारी है हमारे चैंपियन की। Champions, the team that has won, Team Headhunters. But you know what? अभी तो एक ही चैंपियन अनाउंस हुआ है, अभी तो चार चैंपियन और बाकी हैं। बट अभी के लिए मैं EFC 24 के एक ऐसे प्लेयर को बुलाना चाहूंगा who got the Midas touch, who got the golden touch. His name is Chalan Jot and he is EFC 24 champion. तारीफ करना चाहूंगा ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज की बिकॉज ACC एक ऐसा गेम है जो इतना पॉपुलर अभी इंडिया में नहीं है, बट आई एम डैम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन। सो लेट मी प्रेजेंट यू विद द चैंपियन ऑफ ACC एंड दैट इज गोइंग टू बी डब्लिश। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट
उनके नाम में रैंडम जरूर है बट आई एम श्योर वो रैंडम तो नहीं है. लेट मी प्रेजेंट यू विद द चैंपियन ऑफ पोकेमॉन यूनाइट टीम रैंडम. वीरो, वी हैव आवर चैंपियंस. हमने अपनी जनता को अप्रिशिएट कर दिया, अपने चैंपियंस को अप्रिशिएट कर दिया, बट द एंड इज इनकम्प्लीट विदाउट अप्रिशिएटिंग, विदाउट एक्सटेंडिंग आवर ग्रैटिट्यूड फॉर द स्पॉन्सर्स. गाइस, वी हैड अ सिमुलेशन रेसिंग पार्टनर लॉजिटेक जी इन एसोसिएशन विद रैपोवी, स्ट्रीमिंग पार्टनर रूटर, स्मार्ट लॉक स्क्रीन पार्टनर ग्लांस, ब्रॉडकास्ट पार्टनर जियो गेम्स वॉच, and strategic partner Capital Group, and this entire event was produced by Gigwalk. Absolutely, but ये बस एक full stop नहीं है, ये एक शुरुआत है, and मैं जरूर देखना चाहूँगा कि यहाँ पे और कितना बेहतर होगा. But I think we still have one more award, Pokemon Unite, the runners up. अब उनको कैसे हम भूल सकते हैं यार इनसे? हमारे first runner up of Pokemon Unite, and the team name is Team NTRR. I would like to thank again Mr. Santosh Smith, Director, Capital Group, and Mr. Ashish Kodalkar, VP Capital Group. Orangutan, पिछले साल जीते थे, इस बार काफी क्लोज आए. But again, Headhunters बहुत शानदार खेले. The way they performed, they were exceptional, they were phenomenal, and that's the reason they have won the trophy. I mean, consistency is very important. There is one thing that But before wrapping up, I would like to thank our sponsors once again. Esports Premier Series Grand Final in association with Rappo, Sim Racing Partner, Logitech G. Our streaming partner is Router. Our Smart Lock Screen Partner, Glance. Broadcast Partner, Geo Games, Watch. Strategic Partner, Capital Group. And our event is produced by Cakework. बट जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी का जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो लीग ऑपरेशंस हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कास्टर्स हो, चाहे होस्ट हो. अंत की तरफ हम बढ़ चुके हैं, अंत होने वाला है, लेकिन जब एक चीज खत्म होती है, एक चीज का अंत होता है, तो कुछ नया जरूर शुरू होता है. बहुत जल्दी कुछ नई अनाउंसमेंट आएंगी फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्पोर्ट्स, एंड इट इज अबाउट टाइम फॉर अस टू गेट ओवर विद द डे. Absolutely. Thank you so much यहाँ पे आने के लिए. Thank you so much जितने भी लोग live stream पे इस competition को देख रहे हैं. But this is it for today. अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए. मिलेंगे अगली बार. तब तक के लिए take care. Peace out.